भोगियों को 1 जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिला के काजा में हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता अब 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा, जिससे राज्य के वित्तीय कोष पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 2,15,000 कर्मचारियों व 1,90,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहज घोषणा करता हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड और एनसीसी व स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत सुंदर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास को भी तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है ताकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपस्थित जनसमूह सहित प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि स्पीति घाटी में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि काजा में 1 वर्ष के भीतर डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को वर्ष भर हवाई प्रदान से जोड़ने के लिए हम हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं तथा इसका विस्तार भी कर रहे हैं तथा काजा में भी मैं इस हिमाचल दिवस के अवसर पर आने वाले वर्षों के लिए हेलीपोर्ट की स्थापना की घोषणा करता हूँ। अच्छी सड़कें हम प्रदेश भर में बनाएंगे, उनका रख रखाव भी करेंगे। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना आरम्भ की जाएगी। इसी वर्ष 1060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1505 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग व टायरिंग तथा 70 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसी और इससे जुड़े क्षेत्रों पर प्रदेश की 70% आबादी निर्भर है। आज भी हिमाचल प्रदेश की 95% आबादी गाँव के क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हमने इस बजट में नई दिशा तय की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी सम्मानित किया।